नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। चलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आम कस्टमर के लिए, और अगर आप टेक्नीशियन है तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि CCTV सिक्योरिटी कैमरा आपको किन से लगवानी चाहिए। आपको CCTV शॉप जो शोरूम होता है, जहाँ सिक्योरिटी कैमरे मिलते हैं, जो शोरूम होता है वहां से आपको परचेज करनी चाहिए, या फिर आपको CCTV टेक्नीशियन या CCTV इंजीनियर जो कि अपना काम करते हैं, छोटा सा एक ऑफिस भी उनका है, उनसे आप काम कर रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है मैं आपको आज बताने वाला हूं, लेकिन याद रखिएगा दोनों में तुलना मैं सिर्फ उनमें से ही कर रहा हूं जो कि प्रोफेशनल है। ऐसा नहीं कि जिसका बात का कोई दम नहीं, यार शोरूम तो खोल लिया मगर बोलते कुछ है करते कुछ है, वो प्रोफेशनल नहीं है। और ऐसे CCTV टेक्नीशियन से नहीं जिनके बात का कोई वैल्यू नहीं, ऐसे आजकल मार्केट में कहीं पर काम छोड़ के वो आ गए, यार मैं भी काम करता हूं, मैं लगा दूंगा, उसे खरीद के ले आए, आपके लगा दिए, बाद में फोन नहीं उठा रहे, उन सभी अनप्रोफेशनल लोगों कि मैं तुलना नहीं कर रहा, या दोनों प्रोफेशनल की मैं तुलना कर रहा हूं, जो कि आपको डिसाइड करने में आसान हो जाएगा कि आप CCTV कैमरा कहां से परचेज करें, CCTV शॉप से या फिर उन CCTV टेक्नीशियन से कैमरा लगवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको CCTV का जो प्रोफेशनल शॉप होता है वहां पर प्रोडक्ट आपको सस्ता मिलता है, बनिस्पत की जो आपके CCTV टेक्नीशियन है या एक छोटा शॉप है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, मैं उनको CCTV सर्विस प्रोवाइडर में कहता हूं, वो आपको थोड़ा महंगा देंगे। डिफरेंस क्यों ऐसा है वो मैं आपको बताता हूं, बट आपको सस्ता मिलेगा आप शॉप में जाके परचेज करेंगे तो। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर आप शॉप में परचेज करेंगे तो आपको खुद से जाना होगा, इसके कई ज्यादा जो है आपको नुकसान भी हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको खुद से जाना होगा, उनके माहौल में उनके जो तरीके हैं उसके हिसाब से आपको डील करनी होगी, ठीक है। और जो CCTV का जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको आप घर में बुला सकते हैं, वो आपको होम सर्विस देते हैं, चाहे आपको कोटेशन लेना हो, बाकी जो भी चीजें हो, सभी चीजों के लिए वो आपके घर खुद ब खुद आते हैं। और आज के समय में होम सर्विस की ट्रेंड बढ़ी है, इसलिए आजकल CCTV सर्विस प्रोवाइडर की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इनका कोटेशन आप शॉप में जाते हैं वहां पर कोटेशन आपको ओवरऑल दे दिया जाता है, सटीक कोटेशन नहीं होता, जिससे कि आपको लगता तो है कि ये प्रोडक्ट हमें सस्ते मिल रहे हैं, बट जब आप पूरा इंस्टॉलेशन सारा काम आप करवा लेते हैं तो आपको खर्चा लगभग उतना ही चला जाता है या थोड़ा प्लस ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक एवरेज जो है बताया जाता है कि यहां पर ये कैमरा लगेगा वो कैमरा लगेगा, चूंकि वो साइट तो नहीं देखे। बट यही अगर आप CCTV सर्विस प्रोवाइडर से आप काम करवाते हैं तो वो आपके साइट में जाते हैं, साइट में देखते हैं कि यहां पर PIR वाला कैमरा लगेगा, यहां पर कलर व्यू लगा लीजिए, यहां पर सेंसर वाला कैमरा लगेगा, सारी चीजों को वो देखता है, कहां पर IT सीरीज के कैमरे लगेंगे, कहां पर 6mm के, कहां पर 12mm के कैमरे लगेंगे, वो खुद से जज करता है, उस हिसाब से कोटेशन बनाता है। तो उसके जो कोटेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता काम खत्म होने के बाद, जो वायर का डिफरेंस होता है थोड़ी सी, अगर काम आपका बढ़ गया तो फिर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग एक्यूरेट कोटेशन आपको देखने को मिलता है CCTV सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अगर आपको देते हैं तो ये एक डिफरेंस है। इसके साथ साथ आपको गलत प्रोडक्ट की सलाह भी आपको मिल सकती है, ऐसा मैं एक्यूरेट तो नहीं करता बट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं अगर एक्सपीरियंस कम रहा तो। आप CCTV शोरूम में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, वहां पर आपको नॉमिनल जो है इको के कैमरे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं और वो सारे दिखाए जाते हैं, आपको सस्ते लगते हैं, बट अगर आप CCTV सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं या फिर वो आपके घर आते हैं तो वो अक्सर आपको सलाह देते हैं, मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, तो वो सलाह देते हैं कि सर आप रेगुलर सीरीज में ये डिफरेंस है, आप ये सीरीज लगा सकते हैं, ऑडियो इनबिल्ट वाला कैमरा लगाना तो आप ये DVR लगा सकते हैं, आप IP में जा सकते हैं, NVR में जा सकते हैं, सारी जानकारी क्लियरली आपको दी जाती है। तो इस तरीके से डिफरेंस है दोनों में। हालांकि जो प्रोफेशनल शोरूम है उनमें जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं वो भी ये सारी जानकारी दे सकते हैं, बट वो साइट को नहीं देखे हुए रहते, इसलिए प्रॉब्लम आती है। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि CCTV सिक्योरिटी सिस्टम के इंडस्ट्रीज में अक्सर ये चीजें होती है कि अगर आपका कैमरा एक खराब हुआ तो चलेगा, एक महीने बाद कंपनी बनाकर अगर आपको देती है तो चलेगा, लेकिन अगर आपका DVR खराब हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, ऐसे में आपके लिए काफी ज्यादा सिरदर्द बन जाता है और आपके लिए एक दिन की जो फुटेज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर दिक्कत हो जाती है। अगर आप शोरूम से या शॉप से लेते हैं तो मैक्सिमम केसेस में आपको बैकअप प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि कम मार्जिन पे काम हो रहा है, सस्ता आपको चाहिए, सस्ता लीजिएगा तो रोना तो पड़ेगा आपको, तो वहां पर आपको बैकअप नहीं दिया जाता, कंपनी से बन के आएगा फिर आपको मिलेगा,
ठीक है, उसके बाद वो आपको दे दिया जाएगा। प्रोडक्ट खोल के आप ले जाइए उस शोरूम में, दीजिए, वो बनवा के लाएंगे, आपको फोन करेंगे और आप लेके जाइए, फिर टेक्नीशियन से लगवाइए। तो इतना उज्जत है। लेकिन यही आप एक सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर से काम करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक तो बैकअप प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, मैक्सिमम लोग तो दे ही देते हैं क्योंकि थोड़ा इन सभी चीजों को देखकर इनका जो प्रॉफिट मार्जिन जो होता है थोड़ा ये प्लस लेकर चलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी खुदा न खास्ता कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो आपको बैकअप दे देते हैं। आपको अगर मान लेते हैं कि आपको 2 TB के हार्ड डिस्क है, अगर वो खराब हुआ है तो उसके बदले में 1 TB के दे दिए, कुछ दिनों के लिए बन के जब आए तो आपको फिर वो नया लगा देंगे जो कि बन के आएगा। और DVR में भी ऐसा होता है, उनके पास पुराना DVR पड़ा होता है, तत्काल तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन कर देते हैं क्योंकि वो सर्विस से रिलेटेड बंदा है। और वो आपके घर में आएंगे, आपका कोई चीज़ खराब होगा उसे खोल कर ले जाएगा, लाकर लगा देगा, उसके लिए अलग चार्जेस तो नहीं लेते जो वारंटी पीरियड होता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती है। अगर मार्जिन अगर नहीं रहेगा, प्रॉफिट अगर ज़्यादा वो नहीं लेंगे तो फिर प्राइस आप देखेंगे तो ये सारा टेंशन तो आपको झेलना होगा। तो ये कहानी है। और जो सबसे लास्ट में आपको कहता हूँ कि छोटी मोटी परेशानियों का सॉल्यूशन ये लोग बिना कॉस्ट के भी कर देते हैं या बहुत ही कम कॉस्ट में कर देते हैं, जो CCTV सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपके घर में जाते हैं, छोटी मोहत जो प्रॉब्लम होती है वो अपने बिहाफ पे ठीक कर देते हैं। लचीला होता है इनके टर्म्स में। बट अगर आप CCTV शोरूम या शॉप से आपने काम करवाया है और टर्म्स एंड कंडीशन इनका सटीक होता है, टफ होता है, अगर उससे आपका अलग हुआ तो फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ जाएंगे। कई बार आपको फुटेज निकालने के लिए आप बुलाते हैं तो आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है और उनके टर्म्स के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। बट CCTV सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर के पास अगर आप जाते हैं, उनसे काम करवाते हैं तो वो आपके घर में आकर मैक्सिमम जो फैसिलिटीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर ऐसी कंडीशन है और ये चूंकि सर्विस सेक्टर है, आपको सारी जानकारी नहीं है, तो आप उनसे ही काम करवाएं जो कि सिक्योरिटी का बेहतर सर्विस आपको देता हो, ना कि जो आपको सस्ता देता हो। यहाँ पर अगर आप सस्ता लेंगे तो मैं लिख कर दे देता हूँ आपको, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रोना तो पड़ेगा ही, और घूम फिर के कहानी वहीं आ जाती है। तो ये कुछ कारण है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लियरली समझ पाए होंगे कि कहाँ से कैमरा लेना बेहतर है, कहाँ से सिक्योरिटी सर्विसेज जो है लेना बेहतर है, आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।